अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अडोब इलस्ट्रेटर के कुछ प्लेयर्स को आपको आपके साथ शेयर करने के लिए कि आप इनको अपने अडोब इलस्ट्रेटर में यूज़ करें और यूज़ करने के बाद इसके ऊपर प्रैक्टिस करें कि इलस्ट्रेटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और प्लेयर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक प्लेयर जो है मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और इलस्ट्रेटर के ऊपर उसकी प्रैक्टिस करें और यहाँ इसको आप अपने किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखें इस वीडियो में कि ये टेम्पलेट कैसा नज़र आता है। ये मैंने अडोब इलस्ट्रेटर 2022 ओपन किया हुआ है और उसके ऊपर एक फ्लेयर ओपन की है, बिजनेस नेम बिजनेस कार्ड। ये एक बिजनेस के हवाले से है कि आप अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और अपना लोगो लगा सकते हैं, और मार्केटिंग के हवाले से एक बहुत ही अच्छी टेम्पलेट बनाई हुई है। तो इनको आप अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ये जूम आउट करें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। बिजनेस टेम्पलेट जो यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं, ये सारी अनग्रुप की हुई है और कुछ एरियाज का मैं जैसे लॉक किया मैंने, और इस सब को अलग अलग आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें इजीली चेंज कर सकते हैं, या कुछ और यूज़ करना चाहें किसी और वाले से, तो आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर जो इंग्लिश लिखी हुई है इनको आप डल करना चाहें ताकि आप अपने हवाले से कुछ लिख सकें, तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसको सिंपली क्लिक करके डल करें तो वो सारा टेक्स्ट डल हो जाएगा। और जो ये जैसे लोगों जहाँ पे लगाना होता है यहाँ इमेज लगा सकते हैं, इसको जहाँ भी एडजस्ट अपने हवाले से आपने करना हुआ तो आप कर लीजिएगा। इसको मैंने अनग्रुप करने के बाद सब सारा जो इसके ऊपर टेम्पलेट का डिज़ाइन है उसको मैं साइड पे कर रहा हूँ, तो आपको पता चले कि इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और कोई एरिया पसंद ना आए तो उसको आप हटा कर कोई और चीज़ आप लगा सकते हैं। तो ये देखें मैंने ये सारा हटाया है, इनको बैकग्राउंड को भी अनलॉक किया तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। कंट्रोल जी कर रहा हूँ तो ये सारा वापस आ रहा है। इसका टेक्स्ट भी सारा जो है वो वापस आ चुका है। इसको आप अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस इन पेज के ऊपर लिखा है कंपनी नेम और इसके ऊपर मैं पेश कर रहा हूँ। बहरहाल ये एक टेम्पलेट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मेन मकसद वीडियो को ये था कि आपको टेम्पलेट दिखा दें और टेम्पलेट के बारे में बता दें कि ये मेरे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये टेम्पलेट पसंद आई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि इस तरह के टेम्पलेट अडोब इलस्ट्रेटर के लिए मैं और भी यूट्यूब की अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर कर सकूँ। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।